सरकार से 5 मांगे हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दें और गौ मंत्रालय अलग हो, और मतलब 5 मांगे जो ज्ञापन में लिखी हुई है हमने। और आज पहली रैली है, 18 जनवरी को हमारी पहली रैली है, और फिर अगर देखते हैं सरकार पे क्या प्रभाव पड़ता है। अगर सरकार ने कुछ आश्वासन नहीं दिया तो 18 फरवरी को हम सारे भारत के लोग दिल्ली रामलीला ग्राउंड में इकट्ठा होंगे और आगे सरकार से चाहे प्रदर्शन हो चाहे रैली हो, धरना प्रदर्शन हम रामलीला ग्राउंड दिल्ली, और हमारी 5 मांगे का आश्वासन सरकार को देना पड़ेगा, नहीं तो आगे भी हमारी लड़ाई सरकार से लड़नी पड़ेगी। हम तो पहले हमारे राज्य में भी हमारी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, है? तो हमारी अभी गौ माता राष्ट्र माता घोषित नहीं हुई तो कब होगी? उसके बाद तो हमको कोई की आशा है ही नहीं कि राष्ट्र माता घोषित होगी भी या नहीं होगी। क्या गौ माता की ऐसी रोड में बेइज्जती होती रहेगी? जब राष्ट्र माता घोषित होगी तो कोई रास्ता में नहीं छोड़ेगा, उसकी कदर होगी, उसकी इज्जत होगी, उसके गोबर की भी गैस बनेगी, गाड़ियाँ चलेंगी, कार। जब हमारे मैंने बोल दिया 100 के 9 एक बात है भाई, जब बीजेपी की सरकार है तब नहीं बना गौ माता राष्ट्र माता, तब घोषित नहीं हुई तो क्या कब होगी? 60 सालों तक कांग्रेस का राज रहा, क्या हुआ? कभी उठी गौ माता की आवाज? अभी हमारे गुरु जी के पीछे उड़ रही आवाज, तो गौ माता राष्ट्र माता होनी चाहिए। धरने करेंगे, धरने करेंगे, हम मर जाएंगे गौ माता के नाम पे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। बंद करो, 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 गौ माता को राष्ट्र माता स्वीकार करो, स्वीकार करो, दिल्ली में कार्यक्रम है, पूरे 13 जिलों से पूरे देश से लोग आ रहे हैं, और आज जो 18 जनवरी को हमारा ये कार्यक्रम है कि पूरे 13 जिलों में पूरे देश में ये आंदोलन हमारे गौ माता के लिए, हम चाहते गौ माता हमारी राष्ट्र माता बने और हमारी सरकार हमारी सुने और गौ माता को जो है राष्ट्र माता के दर्जा मिलना चाहिए, यही हमारा आंदोलन है। नारे लगाओ, नारे बचेगी, देश बचेगा, गाय बचेगी, देश बचेगा, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का माता हो, गो माता को राष्ट्र माता घोषित करो, घोषित करो, गो माता को राष्ट्र माता घोषित करो, घोषित करो, गो माता को राष्ट्र माता घोषित करो, घोषित करो, गाय बचेगी, देश बचेगा, गाय बचेगी, देश